वालेकुम क्लास सिक्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नाइन। चैप्टर नाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का ये टॉपिक है। अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का तो आपको पता होगा कि इक्वेशन वो चीज़ कहते हैं जब दो चीज़ें इक्वल होती है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देखता हूँ, फिर लिखा हो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, या थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन, या 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 8, या फिर 3x ओवर 5 इज इक्वल टू 8। ये जितने भी इक्वेशन हैं ये लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन में हम x की पावर 1 होती है, जब भी x की पावर 1 हो तो उस एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, और उसमें जो इक्वेशन इन्वॉल्व होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन बनती कैसे है? लीनियर इक्वेशन बनना बहुत आसान है। आप लोगों ने सिर्फ उस सेंटेंस जो गिवन हो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 9 ओपन करें, आप लोग पेज नंबर 142 ये देखें। ये पेज नंबर 142 आप लोग इस बुक का ओपन करें, पेज नंबर 142 और एक्सरसाइज 9। ओके हो गए। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना है लीनियर इक्वेशन। राइट एन इक्वेशन ऑफ आर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन है उसको अपने इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12, क्या लिखा हुआ है? अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12, इसका क्या मतलब है? इस नंबर इसमें जो चीज नहीं मालूम होना है एक्स लेते हैं, जैसे आ नंबर, अब हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो जो चीज़ नहीं पता है सपोज करें एक्स इंक्रीज बाय, मतलब उसमें कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वो क्या प्लस हो रहा है? इंक्रीज बाय 5 मतलब एक्स प्लस 5, और दिस इज इक्वल टू इंक्रीज बाय 5 होने के बाद उसका आंसर है 12, इसका मतलब है इसको इक्वल टू 12 लिख दें। तो ये एक सेंटेंस था, उस सेंटेंस को हमने अल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में ट्वाइस नंबर डिक्रीज बाय 3 इज 15, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज इंक्रीज, अब आ गया डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। ट्वाइस नंबर डिक्रीज बाय 3 इज 15, और इसका आंसर क्या है? 15 है। ट्वाइस अ नंबर, तो सब अ नंबर जिसका नहीं पता उसको एक्स ले लें, तो ट्वाइस नंबर मतलब 2x और डिक्रीज बाय 3 का मतलब -3 इज 15 इक्वल टू 15, तो ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन बन गया नंबर 3। हर पार्ट में आपने इसी तरह अंडरस्टैंड करके बनाते जाना है। 6 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 8, अब तीसरा पार्ट आप लोग खुद पढ़ने में लिखूंगा नहीं, 6 टाइम्स मतलब 10 का मतलब होता मल्टीप्लाई करना, तो 6 टाइम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लेस देन 4 टाइम्स, अच्छा 6 लेस देन 4 टाइम द नंबर, 4 टाइम नंबर मतलब 4x, 6 लेस देन -6, 6 less than 4 times the number is 30 equal to 30, तो क्या हुआ? ये 6 है, 4 times the number से 6 less equal to 30, तो ये जो expression बन गया। इसका अगला expression, 1/5 of number added to and 1/5 a number, अगला है 1/5 a number added to 6 is 10, added to 6 is 10, इसका मतलब ये है 1/5 नंबर, यानी 1/5 को लिखे हैं 1/5, 1/5 1/5 a number मतलब x added to 6, इसमें हम प्लस करते हैं 6 को, the result is 10 equal to 10, ठीक हो गया। यानी कि जब हमने इस एक्सप्रेशन में बनाना है तो उसमें अ नंबर इज एक्स, एक्स अ नंबर 1/5, तो उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं
और एडेड टू सिक्स का मतलब उसमें सिक्स को प्लस कर दें तो दिस बिकम्स इक्वल टू सिक्स इक्वल टू टेन इस टेन का मतलब इक्वल टू टेन तो ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। अच्छा इस तरह आप लोगों ने ये सारे पार्ट्स बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं तो मैं बजाय यहाँ पर जल्दी जल्दी से आप लोगों को लिख देता हूँ इसके एक्सप्रेशन है क्या। इसके बाद फिफ्थ टू थर्ड ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए इज टू थर्ड ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए इज दिस इज फोर। देखिए टू थर्ड ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए तो एट से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए मैंने एट माइनस टू और थ्री इक्वल टू फोर कर दिया। उसके बाद अगला पार्ट करना है जिसमें मुझे ये बिठाना पड़ेगा अगले पार्ट में है सिक्स के बाद सेवंथ पार्ट में क्या हो रहा है कि द सम ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर कंजेक्टिव ऑड नंबर इज 12 सम ऑफ टू कंजेक्टिव ऑड नंबर टू कंजेक्टिव ऑड नंबर इज 12 तो टू कंजेक्टिव ऑड नंबर्स देखिए सपोज करें एक कंजेक्टिव नंबर एक्स है तो अगला कंजेक्टिव नंबर एक ऑड है एक्स तो कंजेक्टिव नंबर का मतलब होता है नेक्स्ट तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा एक्स प्लस टू और इनका सम तो इनको प्लस करें और इक्वल टू ट्वेल्व करें तो ये इसका जो क्वेश्चन इक्वेशन बनाने का मेथड है। बाकी क्वेश्चन खुद से करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे जाता हूँ मैं। इसमें मुझे सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले x प्लस टू इक्वल टू सेवन इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये टू को लेफ्ट में मूव करेंगे तो x इक्वल टू सेवन माइनस टू तो x इक्वल टू फाइव। तो कहने की बात ये है जो भी वेरिएबल के साथ नंबर प्लस हो जाता है उसको माइनस करते हैं तो उससे ये आंसर आ जाता है x इक्वल टू फाइव। तो अगर माइनस हो रहा हो x माइनस थ्री इक्वल फाइव हो तो हम क्या करेंगे थ्री हो जाएगा प्लस हो जाएगा x इक्वल टू फाइव प्लस थ्री x इक्वल टू एट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज प्लस हो रही है राइट में जाके इक्वेशन के वो माइनस हो जाती है और जो माइनस हो रही है वो उधर जाकर प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर कोई नंबर इस तरह हो टू टी इक्वल टू फोर टी एक वेरिएबल है और टू इसके साथ मल्टीप्लाई है अगर मैं मुझे टी सॉल्व करना है तो मुझे टी को टू को उधर डिवाइड करना पड़ेगा तो सपोज टू मल्टीप्लाई तो टी इज इक्वल फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू टू। तो अगर नंबर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहा हो अगर ये होता है टी ओवर थ्री इज इक्वल टू नाइन तो इसका रिजल्ट कैसे करते हैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे टी इज इक्वल टू नाइन टी इज इक्वल टू नाइन। अब ये जो 3 है ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 तो t इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो डिवाइडेड बाय वाली होती है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ओवरऑल इसका स्केच ये है कि जो वैल्यू प्लस हो रही होती है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होती है तो माइनस हो जाती है और जो माइनस हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है ये चलता है। तो ये हो गया आज का लेसन जिसमें हम प्रोसेस करना सीख रहे हैं इक्वेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। इस ये जो क्वेश्चन नंबर टू का जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आज के लिए मैं इतना लेसन कर रहा हूँ। ठीक है अल्लाह हाफिज़।